भले ही पूरी दुनिया में आईफोन्स की सेल गिरती जा रही है, लेकिन वही इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि हाल ही में एप्पल कंपनी ने सिर्फ इंडिया में अपने आईफोन्स बेचकर 70,000 करोड़ जितना रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि पिछले साल की सेल से 40% ज्यादा है। बल्कि इसके पीछे की वजह कोई और नहीं है, बल्कि ये छपरी लोग हैं। हम एप्पल भले ही 2 कैमरे वाला चलाते हैं, लेकिन इसकी एक कीमत में तुम्हारे एंड्रॉइड जैसे फोन 10-12 आते हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में, जहां आज से कुछ साल पहले 15,000 की रेंज वाले स्मार्टफोन्स ही सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन्स हुआ करते थे, पर वहीं आज 70,000 से 80,000 के रेंज वाले आईफोन्स इंडिया के टॉप सेलिंग स्मार्टफोन्स बन चुके हैं। और तो और छपरियों के बीच न सिर्फ आईफोन इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, बल्कि ये छपरी लोग ही असली वजह है आईफोन की इतनी बढ़ती सेल की। ये भीड़ देख रहे हो, नहीं ये कोई सरकारी राशन वाली भीड़ नहीं है, बल्कि ये भीड़ लगी है आईफोन खरीदने के लिए। पर यही नहीं कि लोग आईफोन खरीदने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक हो चुके हैं कि वो घंटों लाइन में सिर्फ इसलिए खड़े रहते हैं ताकि वो दुनिया के सामने ये शो ऑफ कर सके कि उन्होंने लॉन्च होने के दूसरे दिन आईफोन खरीदा है। बल्कि हद तो तब हो गई जब दिल्ली के एक कस्टमर ने स्टोर के एम्प्लॉय को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उसको आईफोन 15 नहीं मिल पाया था। लेकिन इंडिया में आईफोन के लिए क्रेज सिर्फ इसलिए नहीं है कि आईफोन दूसरे फोन से बेहतर है या फिर आईफोन दूसरे एंड्रॉइड फोन से ज्यादा सिक्योर है, बल्कि इंडिया में आईफोन की बढ़ती पॉपुलैरिटी के पीछे की असली वजह है स्टेटस सिंबल, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बैठ चुका है कि अगर वो एक आईफोन यूज करेंगे तो लोग उन्हें ज्यादा अमीर और क्लासी समझेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि लोगों के इस माइंडसेट के पीछे की असली वजह असल में है सेलिब्रिटीज और उनकी मिरर सेल्फीज, जिनको देखकर हमें भी एक ना एक बार तो जरूर लगा है कि काश हमारे पास भी एक आईफोन होता। लेकिन शायद सच सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि सेलिब्रिटीज तो आईफोन उस टाइम से यूज कर रहे हैं जब आईफोन का क्रेज इंडिया में इस हद तक नहीं पहुंचा था। और इसके अलावा भी सेलिब्रिटीज के पास और भी बहुत सी एक्सपेंसिव चीजें होती हैं, पर वो कभी भी आईफोन जितने क्रेज तक कभी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि असल में आईफोन की बढ़ती डिमांड के पीछे की असल वजह ये छपरी लोग हैं। जी हाँ, क्योंकि हम इंडियंस का ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम इन जैसों के हाथ में आईफोन लिए देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि यार अगर ये लोग आईफोन खरीद सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसीलिए चड्ढी में हमारे 4 छेद हों, लेकिन फोन हमें आईफोन ही चाहिए। इसके बाद जो अगली सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है आईफोन की इतनी बढ़ती सेल्स की, वो है नो कॉस्ट EMI। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में भले ही आईफोन लोग इसलिए खरीदते हो ताकि वो अमीर दिख सके, पर उस आईफोन को खरीदने के लिए उन्हें कर्जा लेना पड़ता है, क्योंकि एक डेटा के हिसाब से 70% ऑफ आईफोन इंडिया में EMI पर ही खरीदे गए हैं, यानी कि 70% लोग जिन्होंने अपना ड्रीम आईफोन खरीदा है वो एक्चुअली में उसे अफोर्ड तक नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए वो जबरदस्ती वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी किस्तें उन्हें हर महीने भरनी पड़ती हैं। इसके अलावा इंडिया में ही आपको एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग रील्स और वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर जाने अनजाने में ही सही किसी न किसी तरह से आईफोन को प्रमोट ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके कंटेंट को कंज्यूम करने वाले लोगों में ये भ्रम पैदा हो रहा है कि अगर उनके पास आईफोन नहीं होगा तो वो शायद समाज में दूसरों के आगे गरीब दिखेंगे। इसीलिए हाल ही में यूपी की सीतापुर के रहने वाली एक क्लास 9 की स्टूडेंट ने अपनी खुद की किडनैपिंग प्लान कर डाली, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो फिरौती के मिली हुई रकम से एक आईफोन खरीद सके, क्योंकि उनके फादर ने उसे आईफोन दिलवाने से मना कर दिया था। लेकिन वहीं हद तो तब हो गई जब वेस्ट बंगाल के एक कपल ने अपने 8 साल के मासूम बच्चे को सिर्फ इसलिए भेज दिया ताकि वो आईफोन 14 खरीद कर इंस्टाग्राम पर रील बना सके, जो हमें ले जाता है इस वीडियो के अगले रीजन पर, जिसकी वजह से इंडिया में आईफोन की सेल पर इतना स्पाइक देखने को मिल रहा है, यानी रिच और फेमस होना। जिस तरह ज्यादातर इंडियंस के माइंड में ये बैठ चुका है कि आईफोन खरीद कर न सिर्फ वो अमीर दिखेंगे, बल्कि एक आईफोन खरीद कर उनके फेमस होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और इस माइंडसेट के पीछे की वजह भी असल में यही है कि उन्होंने ऐसा होते भी देखा है कि लोगों ने आईफोन्स के साथ रील्स डाली और वो रातों रात फेमस हो गए। लेकिन लोगों को अब ये समझना होगा कि अब वो वक्त नहीं रहा जब सिर्फ आईफोन लेकर कैमरे के सामने नाच लेने से आप वायरल हो जाएंगे, क्योंकि जब सभी लोग पैसा कमाने के लिए आईफोन लेकर कैमरे के आगे नाचना शुरू कर देंगे तो आपका वायरल होने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, छपरी होने के चांसेस जरूर बढ़ जाएंगे। अगली जो सबसे बड़ी वजह है आईफोन की इंडिया में इतना ज्यादा सक्सेसफुल होने की, वो असल में खुद एप्पल कंपनी ही है, क्योंकि अगर आज
आज हम कुछ साल पहले जाएं, लगभग 2014 से 15 के पीरियड में, तो उस टाइम पर भी आईफोन एक स्टेटस सिंबल की तरह ही देखा जाता था। लेकिन फर्क ये था कि उस टाइम पर इंडिया में आईफोन्स की सेल इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी जितनी आज के टाइम पर है। इसीलिए साल 2016 में एप्पल कंपनी के CEO टिम कुक इंडियन मार्केट को समझने के लिए पहली बार इंडिया आते हैं और अपने इस विजिट के बाद वो एक्चुअली में इंडियन कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न अच्छे से समझ जाते हैं कि इंडियन कंज्यूमर सिर्फ वही सामान खरीदता है जहां उसे वैल्यू फॉर मनी डील मिल रही होती है। बस फिर क्या था, टिम कुक भैया अपनी विजिट के बाद ये फैसला करते हैं कि इंडियंस और आसपास के एशियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए उन्हें एक आईफोन की जगह अब दो आईफोन लॉन्च करने पड़ेंगे, यानी कि एक प्रो आईफोन कंट्री के अमीर और अलीट क्लास के लिए और एक नॉन प्रो आईफोन कंट्री की आम जनता के लिए, और उसी के बाद आईफोन 11 और आईफोन 11 प्रो लॉन्च भी हो जाता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट समझिए, क्योंकि एप्पल कंपनी न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी बल्कि स्मार्टेस्ट कंपनी में से एक है, इसलिए इंडियन मिडिल क्लास लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसने नॉन प्रो आईफोन सीरीज के रेट नहीं घटाए थे, बल्कि आईफोन 11 जो कि 70 से 80 हजार की रेंज में लॉन्च हुआ था, और वहीं उससे पहले लॉन्च हुआ आईफोन X भी 70 से 80 हजार की रेंज में ही बिकता था, बल्कि एप्पल ने अब प्रो सीरीज को 1 लाख के ऊपर लॉन्च करके मार्केट में कंज्यूमर के बीच दो भ्रम पैदा कर दिए थे। पहला कि आज भी एप्पल एक बहुत ही प्रीमियम स्मार्टफोन मेकर है और इसके स्मार्टफोन महंगे होने के साथ साथ प्रीमियम भी होते हैं, और वहीं दूसरा भ्रम ये था कि जहां पहले 70 से 80 हजार के स्मार्टफोन को इंडियन कंज्यूमर महंगा समझते थे, वहीं अब प्रो सीरीज के लॉन्च के बाद इंडियन कंज्यूमर ये सोच रहे थे कि नॉन प्रो वेरिएंट उनके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील है प्रो मॉडल के कंपैरिजन में। फिर क्या था, एप्पल ने बिना ही अपने स्मार्टफोन के रेट कम किए इंडियन मिडिल क्लास कंज्यूमर को भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और इस स्मार्ट मूव के बाद एप्पल ने इंडिया में हद से ज्यादा पैसा छापना शुरू कर दिया, और जो बची कुची कसर थी वो या तो इन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में आईफोन के पुराने मॉडल पर डिस्काउंट देकर और या फिर छपरियों ने रील पर नाच कर पूरी कर दी। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है जिसकी वजह से आप वीडियो के इतने एंड तक आए हैं, तो क्या सच में इस टाइम पर आईफोन रेलेवेंट है या नहीं? तो वो डिपेंड करता है कि आप इस आईफोन को खरीद क्यों रहे, यानी कि आप एक ऐसा फोन खरीदना चाहते हैं जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी के साथ साथ अच्छी कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करे, तो उस केस में शायद आईफोन अब भी रेलेवेंट है। और वहीं अगर आप ये चाहते हैं कि आप 80,000 का फोन खरीदें और बस आपके आसपास के रहने वाले लोग ये सोचें कि इससे रईस आदमी तो कोई है ही नहीं, क्योंकि इस टाइम पर ऐसे फर्जी रईस आपको हर गली और मोहल्ले में किश्तों और सेकंड हैंड आईफोन चलाते दिख जाएंगे, और वहीं अगर कभी कदार आपकी किस्मत अच्छी है तो एक आध मोहल्ले में तो क्लोन आईफोन को भी शो ऑफ करते मिलेंगे। आईफोन देख के पैसे वाला समझे क्या, किडनी बेचा है मैं। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि आईफोन का फ्यूचर इंडिया में कैसा है, तो अगर मेरी माने आईफोन का क्रेज देखते हुए आगे कुछ सालों में ज्यादातर हर एक इंडियन के पास आईफोन होगा, लेकिन शायद हो सकता है कि अमीर और एलीट क्लास का इंटरेस्ट आईफोन से आगे चलकर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि जब एक रईस इंसान ये देखेगा कि उसी के जैसा आईफोन हर एक कॉमन मैन के पास है तो वो कंज्यूमर जिनका टेस्ट